सो वेरी गुड मॉर्निंग लवली पीपल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा शॉट कैसा लगा। ऐसे तो ट्राई कर रहे थे। सो अभी हम जा रहे हैं आज मतिन भाई के पास और एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को इंट्रो पसंद आया होगा तो फटाफट कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दे दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो। और ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। जो लोग चैनल पे नए हैं उन लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ, मेरा नाम है दिनेश पटले और आप देख रहे हैं दिनेश लाइफस्टाइल चैनल। हमारे चैनल पे आपको बाइक्स, जिम और ट्रैवलिंग के बहुत सारे पागलों वाले वीडियो देखने मिलने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी मेरी तरह ऐसे घूमने के शौकीन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे लाइनर की आवाज़ आ रही है थोड़ी सी, मतलब बारिश में थोड़ा मिट्टी चले जाती है तो उसको साफ़ करवाना पड़ता है, या फिर थोड़ा चलने देते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा आवाज़। तो स्टार्टिंग के कुछ किलोमीटर आएगी जब तक उसके अंदर मिट्टी रहेगी, फिर जब ब्रेक लग के मिट्टी है तो वो निकल जाएगी। अगर आपकी गाड़ी के साथ भी ऐसा होता है तो क्लीन करवा लीजिए उसे, क्योंकि बारिश का पानी अंदर चला जाता है थोड़ा सा की आवाज़ आने लगती है। A few moments later. तो भाई साहब एक हो गई है भसड़, आने लग गई है बारिश। कोई उम्मीद नहीं थी बारिश आने की, लेकिन इतनी तेज़ नहीं आ रही है लेकिन आ रही है, मतलब गीला कर सकती है। और अपने को गीला खोला है ही नहीं, देखते जैकेट लॉक करते हैं। ज़्यादा वाटरप्रूफ तो नहीं लेकिन थोड़ा वाटरप्रूफ है। ओ भाई साहब ज़्यादा हो गई लगता है। ये यार क्या बारिश है यार, अचानक आई है, शायद अचानक चली भी जाएगी। देखते थोड़ा आगे बढ़ते जाते हैं जब तक, क्योंकि यहाँ रुके नहीं रह सकते ज़्यादा देर तक। ओ भाई साहब, अरे भाई बहुत बड़ी गलती कर ली। देख रहे हो आगे बारिश कितनी है। अरे यार गलती की, अच्छी जगह पे सेफ जगह पे खड़े थे। अब थोड़ा सा कहीं रुकना पड़ेगा, नहीं आगे बढ़ सकते। अरे यार ये बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है। हाँ रुके, अरे बाप रे इतनी बारिश। अरे यार और ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, अपने बैग में है कैमरा वैमरा, पहले साइड में किधर रुकते हैं। और तेरी गोप्रो में पानी गया तो गया, वाटरप्रूफिंग केसिंग के साथ नहीं है। इधर साइड में रुकता भाई, बस 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 2 सेकंड रुक जा बारिश। फटाफट पानी आया और गीला कर भी दिया। देख रहे हो मतलब 2 सेकंड बारिश ने पूरा कर दी गेम। तब तक अपन वेट करते हैं बारिश के रुकने का, आपसे मिलते हैं थोड़ा यहाँ से निकलने के बाद। सो हो चुकी है थोड़ी सी बारिश कम, लेकिन रोड हो गया है पूरा गीला और अपन ज़्यादा देर यहाँ रुक नहीं सकते। तो अपन चलते हैं, गोप्रो को लगा दिया है चार्जिंग पे। देख रहे हो पूरा रोड गीला हो गया, मतलब ऊपर की तो बारिश नहीं आ रही, अब नीचे की बारिश बहुत है। है अब यार अब बहुत दिमाग खराब होने वाला है। खैर स्टार्ट तो कुछ अच्छी हुई नहीं, देखते हैं। नहीं नहीं भाई आराम से आराम से। ओ भाई साहब, लेकिन क्या गारंटी कि आगे बारिश ना हो। सो एक क्विक अपडेट, यहाँ पे हो चुकी है बारिश बंद, लेकिन रोड हो चुकी है पूरी गीली
और आगे है मजबूत वाला ट्रैफिक। देखते हैं हम कहां तक फटाफट पहुंच सकते हैं। अरे यार, तो मुंबई लाइक एवरीवेयर ऑफ रोड, मिनी लद्दाख हम हर दिन करते हैं, वैसी वाली बात है। देख रहे हो ये रोड की हालत है, ये रोड है, ये मेन एंट्रेंस है मुंबई का। क्या है, ऐ है, सोचिए ये हालत है हमारी मुंबई के। ऐसे ही ना क्विक एक थॉट है मेरा, जैसे हम लोग हेलमेट नहीं पहनते तो हम लोगों को फ़ाइन लगता है, हम लोग की गाड़ी के पेपर सही नहीं होते तो हम लोगों को फ़ाइन लगता है, तो गवर्नमेंट को ना समानता रखनी चाहिए। जिन लोगों ने ये रोड बनाया है, जिनके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है, उनके ऊपर भी फ़ाइन पड़ना चाहिए अगर इतने गड्ढे हैं और इतनी कंप्लेंट्स आती है, तो तभी जा कर के अपना देश बदलेगा। लेकिन नहीं नहीं भाई नहीं, कैसे हो सकता है गवर्नमेंट के ऊपर। अरे यार फिर से परेशान हो गया इन खड्डों से। दो मिनट साइड में रोकते हैं, किसी का कॉल आ रहा है। अरे है आज जैसा टोल लगा खाली, ये कैसे पॉसिबल हो जाता है कभी कभी। आप कभी भी मेरे दूसरे वीडियो उठा करके देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैवल करने में मेरी सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा रश रहता है, बट आज खाली है, यकीन नहीं हो रहा है। ओके खाली है, लेकिन अपने को एक काम आते जा रहा है बार बार।